नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। और जैसा कि आपको पता है कि मुंबई बम धमाके के आरोपी याकूब मेमन, जिसको कोर्ट ने दोषी करार दिया था, उसको अब से कुछ ही देर पहले फांसी की सजा दे दी गई है। हम इस खबर पर लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में विशेष मेहमान भी मौजूद हैं और इस पूरे एक घंटे के दौरान मेरे साथ होंगी सकल भट्ट। थैंक यू चंद्रशेखर, एंड ऑल्सो लेट्स क्विकली टेल आवर व्यूअर्स इन द नेक्स्ट वन आवर वील गेट यू द कंटिन्यूस कवरेज एंड स्पेशली इनपुट्स फ्रॉम द मुंबई स्टूडियो। वी विल बी जॉइन बाई विनायक देवरूकर। ही इज द 1993 मुंबई टेरर ब्लास्ट वन ऑफ द विक्टिम्स रिलेटिव देयर, एंड ऑल्सो सीनियर न्यूज जर्नलिस्ट फ्रॉम मुंबई संतोष मलकार विल बी जॉइनिंग अस फ्रॉम मुंबई स्टूडियो itself, and in the studio Justice Bhagwati continues to be here with us. And of course, like you just know that Mehman has been hanged shortly before 7 a.m. this morning, and we'll be trying to get more inputs from outside the Nagpur Central Jail. We know that the body, in fact, last we spoke to the correspondents, that the body had been in fact sent for the autopsy by medical team from Nagpur Government Hospital before being cleared for the last rites. And as of now, there are some unconfirmed reports suggesting that since he's got a family staying there in Mahim in Mumbai, and there are some unconfirmed reports trickling in from Mumbai, as been told by a correspondent in Mumbai, that there are some reports suggesting that his last rites might take place in Mahim. But all said and much more, how does really Mumbai, how Mumbai has reacted to this particular verdict? In fact, a sense of justice, a sense of closure. This is what the victims and the Mumbai at large actually feel. 22 years of long wait, justice might have been delayed but not denied. और बिल्कुल, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा बरकरार रखे जाने के बाद आज सुबह याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के दोषी पाए गए याकूब को सुबह नागपुर की जेल में फांसी हुई है। कल देर रात को सुप्रीम कोर्ट की विशेष सुनवाई के बाद आज सुबह करीब 5 बजे जस्टिस दीपक मिश्र की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने याकूब की याचिका को खारिज कर दिया था। बुधवार को याकूब की ओर से दायर नई दया याचिका को भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से खारिज कर दिया गया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार 1993 मुंबई विस्फोट के गुनाहगार याकूब मेमन को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया, यानी उसे सुबह सूली पर चढ़ा दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट रात को खुला, शायद इतिहास में पहली बार, याकूब की फांसी पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने इसे खारिज कर दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से दया याचिका खारिज होने के बाद कई जाने माने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता मुख्य न्यायाधीश के घर पहुंचे और याकूब की फांसी को 14 दिनों के लिए रोकने की मांग की। अदालत ने कहा कि याकूब के अपने बचाव के लिए पर्याप्त मौका दिया गया है और मौत के वारंट पर रोक लगाना न्याय का मजाक हो सकता है। कोर्ट ने आखिर में ये कहा कि बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज दी जा चुकी हैं और 2013 में मर्सी पिटीशन उसके भाई के नाम से रिजेक्ट हुआ था, जिसको उन्होंने ओन किया था। खुद याकूब मेमन ने कहा था कि ये हमारा ही है, हम इसको ओन करते हैं। और उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हुआ, और उसमें जबकि ये रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन है कोर्ट की कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं सुना जाएगा, 10 घंटे तक सुनाया गया, 10 दिन तक सुना गया, और अभी लास्ट जो है 10 घंटे तक सुना गया। और इस कारण से इतनी अपॉर्चुनिटीज दी जा चुकी हैं और ये टेररिस्ट एक अटैक का मामला है, इतना बड़ा मामला है, और इट विल बी ए ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस कि यदि हम इसमें इसको स्टे देंगे, और इसलिए उन्होंने जो पिटीशन थी रिट पिटीशन उसको डिसमिस किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी याकूब मेमन को दे दी गई, उसे जेल में नए कपड़े दिए गए। थोड़ी देर बाद याकूब के घर वाले भी जेल पहुंच गए, फिर उसे फांसी पर लटका दिया गया। 12 मार्च 1993 मुंबई बम धमाकों से थर्रा उठा था, पूरे शहर को खौफ और मातम ने अपने गिरफ्त में ले लिया था। इस घिनौने अपराध के गुनाहगारों की तलाश शुरू हुई तो लंबी फेहरिस्त निकली। तार पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़े, खुफिया एजेंसी ISI का मकर जाल सामने आया। उन्हीं गुनाहगारों में एक था याकूब मेमन, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, साजिश का बड़ा हिस्सा। बम लगाने के लिए गाड़ियां खरीदी और ट्रेनिंग के लिए 15 लोगों को पाकिस्तान भेजा। याकूब को ब्लास्ट के लिए हवाला से 22 लाख रुपए मिले। विस्फोट के बाद साजिशकर्ता टाइगर मेमन परिवार सहित फरार हो गया। 4 नवंबर 1993 को 189 लोगों के खिलाफ
आरोप पत्र दायर किया गया। याकूब मेमन नेपाल में गिरफ्तार हुआ। अगस्त 1994 में याकूब को दिल्ली लाया गया। 10 अप्रैल 1995 को 26 आरोपियों को टाडा कोर द्वारा बरी किया गया। बाकी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। 12 सितंबर 2006 को टाडा अदालत ने फैसला सुनाना शुरू किया। मेमन परिवार के 4 सदस्यों को दोषी ठहराया गया और 3 बरी हुए। याकूब मेमन को मौत की सजा सुनाई गई। 21 मार्च 2013 को उच्चतम न्यायालय ने याकूब मेमन के मृत्यु दंड पर मुहर लगा दी। 10 मुजरिमों के मृत्यु दंड को घटाकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। 18 मुजरिमों में से 16 की उम्र कैद की सजा को भी बरकरार रखा। मई 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने याकूब की दया याचिका को खारिज कर दी। 9 अप्रैल 2015 को उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की समीक्षा की मांग करने वाली मेमन की याचिका खारिज की। 21 जुलाई 2015 को उच्चतम न्यायालय ने मेमन द्वारा दाखिल क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज कर दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास दया याचिका दाखिल की गई। क्यूरेटिव याचिका रद्द करने वाली बेंच के गठन को तकनीकी आधार पर चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बड़ी बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा गया। 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद राष्ट्रपति ने एक बार फिर दया याचिका रद्द कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। And Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis is likely to make a statement on the issue in assembly today. और इस बीच ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा ने कहा कि मुंबई ब्लास्ट में जिन लोगों ने अपनों को खो दिया था, याकूब की फांसी से उन्हें राहत मिलेगी। यह सबसे बड़ी हमारे देश के लोगों की, जहाँ लोग जो शहीद हुए इनके बम्बों से, इतने लोग मारे गए, उनके परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो संदेश पाकिस्तान में ISI को और वहाँ के टेररिस्टों को जो संदेश गया है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आतंकवाद फैलाने वाला, 26/11 की घटना करने वाला, 93 या पार्लियामेंट के अंदर गोलियां बम चलाने वाला, उसका एक ही हिंदुस्तान में इलाज है, सजाए मौत, फांसी का फंदा। Meanwhile, reactions have been pouring in. Blast victims and their relatives have welcomed this verdict. उनको फांसी मिली है तो एक तरीके से हमें थोड़ी खुशी हुई है, क्योंकि आज एक गुनहगार जो है, उनको अल्टीमेटली कितना भी मकसद, कितनी भी एक्सरसाइज करने के बाद उनकी साइड पे फेवर लेने वाले बहुत सारे लोग थे, फिर भी उनको फांसी मिली। एक बार उसे अच्छा है कि 22 साल, लेकिन एटलीस्ट अभी गवर्नमेंट गुनहगार के लिए जागी। And political parties as well as legal fraternity has also welcomed this decision. This incident and several other cases have brought the point very effectively. The time has come. Our nation, India, our government, our parliament should take a position to say emphatic no to capital punishment, death penalty. And whatever provisions are there in law, in statute, for giving death sentence should be abolished, should be removed, and India should become one of the nations which give emphatic no to death penalty, capital punishment. We hold to this position. ये सबको इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश के करोड़ों नागरिक बड़े इस बात से खुश हैं कि अंत में उन सैकड़ों लोगों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति आज न्याय हुआ है। नहीं तो इस देश के अंदर बहुत बार न्याय नहीं होता, केवल कोर्टों से निर्णय दिए जाते हैं। 257 लोगों की मौत हुई थी। वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, वो हिंदुस्तानी थे। और हर हिंदुस्तानी ने उस दिन सोचा था कि जो गुनाहगार होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। आखिर जस्टिस थोड़ा डिलेड हुआ है, लेकिन डिनाइड नहीं हुआ। जो टेररिस्ट है, खास करके जो पाकिस्तान ऑपरेटेड जो टेररिज्म है, उनको एक मैसेज गया है। दूसरी बात कि इस देश की जनता की जो भावना थी, इसने भी हमारे देश पे इस तरह से
युद्ध की तरह हमला किया है। इस देश के बेगुनाह निरपराध लोगों को जिस बेरहमी से मारा है उनको भी न्याय मिल गया है। इट्स अ लॉन्ग अवेटेड जस्टिस टू दोज टू द विक्टिम्स ऑफ 1993। सेकंड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्लैप टू दोज लॉबिस्ट हु वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अ टेररिस्ट एंड ऑल्सो दोज पॉलिटिशियंस हु वर ट्राइंग टू ब्रिंग रिलीजन and terror together. And thirdly, it shows how fair the Indian judiciary is, because it allowed a terrorist like Yaqub Menon to exhaust all avenues, and then the final wording and hanging has come. So I think these are the three fundamentals which have been established after the hanging of Yaqub Menon. This is the great Indian day for judiciary. Entire world. It is the first court which remains, when occasion arises, it has remained open throughout the night. Arguments have been heard, judgment has been delivered. Both sides have... After a long discussion, long argument, the Supreme Court reached to the conclusion and they maintained the sentence. And as I know, it has been executed. I have to say this much for that. I think this is one of the most long legal battle which has ever the country seen. तो अब तो फैसला हो गया, फांसी लग गई और सब कुछ सेटल हो गया। अब ये है कि देश में अमन चैन रहे, शांति रहे और अन्य मामलों में भी न्याय हो भी और न्याय दिखे भी। तो जिन लोगों ने अपने टीवी सेट अभी अभी खोले हैं उनको हम बता दें कि याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं, जस्टिस भगवती प्रसाद और सत्या हमारे साथ हैं जो लीगल एडिटर हैं। आप दोनों से पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब फांसी दे दी गई है। फांसी देने के बाद जितने राजनीतिक या दूसरे सामाजिक जो भी प्रतिक्रियाएं आनी हैं वो प्रतिक्रियाएं भी आ गई हैं। अब क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, न्यायिक फैसले के बाद और राष्ट्रपति के फैसले के बाद कोई प्रतिक्रिया बचती नहीं है सिवाय इसके कि न्याय हुआ है और जो कुछ न्यायपालिका ने किया और जो कार्यपालिका ने किया उन्होंने जो उचित समझा वो किया है। तो इस पर कोई प्रतिक्रिया देना शायद उचित नहीं है, क्योंकि समाज में एक झटका सा लगा था 93 में जब इतने सारे लोग मारे गए थे बेवजह, लोगों के दिल को खुश करने के लिए कि हम हिंदुस्तान में आतंक फैला सकते हैं। तो उसके प्रति जो भी एक संतोष की भावना पूरे देश में जागेगी आज, ओ संतोष की भावना की बात है। बट जस्टिस भगवती, यू नो, सिंस फॉर इंडियन जुडिशरी व्हाट डज दिस रियली मीन? बिकॉज can we say that this has been the longest running trial in India's history? It's spanned out 22 years it took us. I understand legal procedures take a lot of time, but then especially 1993 Mumbai terrorism. This is one of those ordinary cases for Indian judiciary. Indian judiciary, it's one of the ordinary cases. See, there are many cases which come for death sentence. So the judge has to decide the cases. The court has to deal with it. There is nothing special about this case except this, that every other man who could earn out of the delay which has been occasioned has been doing his bit. Now, but that kind of thing happens everywhere, not only in judicial proceedings, but everywhere where people can make out something, they'll make their effort. So all those who were out to diffuse the
जुडिशियल प्रोसेस। बिल्कुल जस्टिस प्रसाद कहीं ना कहीं अभी वो सत्या भी इससे पहले बोल रहे थे कि प्रोसिक्यूशन जो है पुलिस जो है उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी केस खत्म हो। सत्या अब हम देख रहे थे कई सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, राजनीतिक दलों के लोग कह रहे हैं, सामाजिक लोग कह रहे हैं, अब पूरा जो सिनेरियो बन रहा है फांसी देने के बाद, इस बीच में ये भी खबर आ रही है कि उसके जो शव को है उसके परिवार को सौंप दिया गया है और शायद उसका परिवार उसके शव को लेकर के मुंबई जाने वाला है, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए जो उनकी फांसी के बाद शव का दाह संस्कार जो भी होता है और सुपुर्द खाक किया जाएगा, जो भी तरीका है, जो भी धर्म के हिसाब से वो करेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन जो ये जो मांग उठ रही है कि फांसी की सजा को ही ख़त्म कर दें, देखिए भारत में ऐसा नहीं है कि हम जैसे चीन में दिया जाता है या ईरान में या सऊदी अरब में फांसी दिया जाता है, या वैसा भी नहीं है जैसा अमेरिका में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम हर रोज़ फांसी देते हैं, हर महीने देते हैं या हर साल देते हैं, दशक में एक बार ऐसा होता है कि कोई फांसी की सजा होती है। और भारत में एक तरह से इस बात को लेकर आम राय है, चाहे वो जुडिशरी हो या फिर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट हो, इस बात को लेकर आम राय है कि आतंकवाद के अलावा किसी और तरह के मामले में फांसी नहीं दी जा रही है। जो इसके पहले 2004 में एक सवाल शायद उसके बाद ये सवाल मैं भूल जाऊंगा, ये सवाल यहाँ पे आता है, रेप हुआ था उसके बाद एक भावनाएं पूरी भड़क गई थी कि इसको फांसी दो फांसी दो फांसी दो, और जब आतंकवाद के मसले आते हैं उसमें दो शब्द क्यों निकलने लगते हैं? नहीं, आतंकवाद के मामले में दो शब्द नहीं, बिल्कुल निकल रहे हैं आप। इसमें देखिए कुछ लोग हैं जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और कुछ राजनीतिक दल के ही हैं, जैसे राजा साहब ने कहा कि फांसी की सजा का प्रावधान ही खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग हैं, हो सकता है उनका कन्विक्शन हो या उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, और भी तरह के मामले हो, उनको लगता है कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि फांसी की सजा ऐसा नहीं है कि भारत में हम रोज़ फांसी ही दे रहे हैं, ये उतना बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत है। भारत में जो कानून की प्रक्रिया में जो भारतीय जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें भी जो प्रावधान है, मेरे ख्याल से सेक्शन 354 उसमें ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि जो ट्रायल का जज इस तरह की सजा देगा उसको, अगर मौत की सजा दे रहा है तो उसको उसके लिए रीजंस रिकॉर्ड करना है, क्यों दे रहा है अलग से लिखना है, और उसके बाद उस पर हाईकोर्ट जब तक मुहर ना लगाए तब तक फांसी की सजा पक्की नहीं होती है। और उसके बाद पूरी अपील की प्रक्रिया है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन तक है, फिर जो दया याचिका है और दया याचिका के खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि हम फांसी दे रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि 1995 में ऑटो शंकर को फांसी दिया गया था तमिलनाडु में, उसके बाद 9 साल बाद 2004 में धनंजय चटर्जी को दिया गया, उसके बाद 2 और 3 फांसी अब हो गए, वो कसब को मुंबई अटैक के लिए, और उसके बाद अफजल को जो कि पार्लियामेंट पर हमले के लिए, और उसके बाद ये All right, but what does it really mean to those voices which have been emphatically talking about no to death penalty? I'm going to come to that debate in a while, but before that, let's once again recapitulate and take a look at all that happened in this case till now. Let's take a look at the timeline of the Yaqub Memon's case. After his last-ditch attempts to get a reprieve failed early Thursday morning in the Supreme Court, Yaqub Memon, the lone 1993 Mumbai serial blast convict, was hanged. Memon was hanged shortly before 7 a.m. at the Central Jail in Nagpur. Let's have a look to the series of incidents related to 1993 Mumbai terror blasts. March 12, 1993, 13 serial bombs exploded in the country's commercial capital, Mumbai. 257 people died and 713 were injured. Key accused, Tiger Memon, along with family, went absconding. November 4, 1993, over 10,000 page long charge sheet filed against 189 accused. Yaqub Memon arrested from Nepal. August 1994, Yaqub Memon was brought to Delhi. April 10, 1995, 26 accused discharged by Tada court. Charges framed against the remaining. September 12, 2006, trial commences in Tada court. Tada court holds 4 members of Memon family guilty, acquits 3. 12 people including 4 members of Memon family get death sentence including Yaqub Memon. 20 sentenced to life imprisonment of whom 2 have died. March 21, 2013, Supreme Court upholds death sentence of Yaqub Memon. Supreme Court commutes death sentence of 10 other accused to life imprisonment.
Supreme Court upholds life imprisonment of 16 out of 18 accused. May 2014, President Pranab Mukherjee rejects Yaqub's mercy petition. April 9, 2015, Supreme Court confirms Yaqub's death penalty and rejects his plea for reconsidering the verdict. July 21, 2015, Supreme Court dismisses curative petition of Yaqub Memon. Mercy petition moved by Memon before the Maharashtra governor. Yaqub Memon challenges the bench, rejecting curative petition on technical grounds. After hearing the argument of the plea of Memon, Supreme Court refers Yaqub's plea to larger bench. July 29, 2015, second time mercy petition moved to the president. July 29, Supreme Court rejected mercy petition. July 29, 2015, President Pranab Mukherjee again rejected Yaqub's mercy petition. July 29, Yaqub Memon's advocate again moved to Supreme Court. July 30, Supreme Court dismisses Yaqub's last plea at 2:30 in the night. July 30, Yaqub Memon hanged to death in the morning. Bureau Report, DD News. और आइए चलते हैं मुंबई। मुंबई में कुछ मेहमान मौजूद हैं और वो लोग मौजूद हैं जो 1993 में जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, जिन लोगों ने अपनों को खोया था, वो लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज जब याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है, उसके बाद अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? विनायक जी, आपसे सवाल जी। हाँ जी विनायक जी, बताएं। आज सुबह जो 7 बजे उनको फांसी दी है, आज हमारी अच्छी प्रतिक्रिया होगी कि आज 22 साल के बाद उनको आज फांसी दी है, वो अच्छा रिजल्ट है सुप्रीम कोर्ट का, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम अच्छी तरह से मानते हैं। और हमारा विश्वास था कि जिस दिन उनको फांसी दी थी, मुझे ये विश्वास था कि उनको होगी, जरूर होगी कि कोई किसी भी तरह से याचिका डाल दे, किसी का भी कुछ भी ख्याल किया नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा संगीन जुर्म किया है, जो क्रूर हत्या की है, जो 93 ब्लास्ट में उन्होंने 250 या 300 लोगों को मार दिया और हजारों लोग को जख्मी किया है। ये याकूब मेमन एक प्लानर था, बहुत बड़ा सीखा, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स किया था, कुछ भी किया, जो भी है, तो इस उसका एक पढ़ाई का ये हमारे देशवासियों और मुंबई शहर को खत्म करने का इरादा पक्का किया और उन्होंने वो करके दिखाया। विनायक जी 12 मार्च को क्या कुछ हुआ था? आपने अपने परिजनों को खोया है, वो सब तो अब वापस आ नहीं सकता, आप बता रहे हैं कि लेकिन एक सेंस ऑफ क्लोजर, एक जस्टिस का एहसास है आपको, एक न्याय, आखिरकार 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया इस बीच, लेकिन क्या कुछ याद है आपको जब वो ब्लास्ट हुए थे 12 मार्च को? आप कहाँ थे? आप थोड़ा हमें बताएं अगर आपको कुछ याद हो तो। मुझे याद है उस दिन, वो दिन कभी मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि सुबह जब उठा और जब दोपहर में, मतलब मैं स्कूल में गया था और दोपहर में आ गया 1 बजे, और मेरे भाई जो छोटे भाई थे, उसको एक संस्कृत विषय में एक बड़ा पारितोषिक मिलने वाला था, और उसको ले जा रही थी मेरी बड़ी बहन दादर की तरफ, और वो बस स्टॉप था सेंचुरी प्रभा देवी की तरफ जी, वो 1 बजे से उसके पीछे लगी थी, लेकिन वो कुछ नटखटपना कर रहा था, नहीं जा रहा था उसके साथ, लेकिन वो 1 बजे से लेके 2 बजे तक, 2:10 को यहाँ घर से निकल गई, और हमारे यहाँ से एक शॉर्टकट जो रोड है, जो रास्ता है अंदर से, 7 मिनट में वहां पे पहुंच जाने के बाद, 2 मिनट खड़ा रहने के बाद 2:22 को ये बम ब्लास्ट हो गया जी। उसमें हमको पता नहीं कि वो यहाँ से चले गए या नहीं गए उस तरफ, लेकिन वो जहाँ जाने वाले थे वहीं हम लोग पैदल, मैं और मेरी माँ पैदल गए, वहाँ पे ढूंढा, नहीं मिले, स्कूल बंद, सब बंद हो गया। जब हम लोग वो जगह पे आए तो हमारे पैर के नीचे क्या आने और क्या आ रहा था मुझे मालूम नहीं, किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का सर आ रहा था पैर के नीचे, वो मुझे मालूम नहीं, मेरी माँ के, क्योंकि हम हमारे दो, मेरे भाई और बहन को ढूंढ रहे थे जी। जब पता चला तो आपने अपने भाई और बहन को खोया? हाँ, मेरे छोटे भाई और बड़ी बहन को मैंने खोया है जी। अगर कोई, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस लोगों ने जो याचिका डाले, मैं अगर यही उनको पूछना चाहता हूँ, अगर आप हमारी जगह होती तो याचिका डाल सकते क्या जी?
विनायक जी, उनको बचाने के लिए, हाँ जी विनायक जी, ये जो अब याकूब मेनन को फांसी लग गई, लेकिन भारत की तरफ से जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म, किसी भी प्रकार के आतंकवाद को भारत देश नहीं टॉलरेट कर सकता। ये मैसेज अच्छा गया है क्योंकि आज 22 साल के बाद जो सजा सुना गई वो अच्छी है, लेकिन इसके उस जुड़े हुए जो गुनेगार है जो 93 में, उनको भी लाया जाए और उसे स्ट्रांग कुछ और कुछ डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि उनको लाने का ही एक स्ट्रांग डिसीजन होगा। और उसके बाद 93 में जो जो भी विक्टम्स है उनके घर जो कोई हुआ है, पूरी 100% उनको न्याय मिल जाएगा। यानी कि आप चाहते हैं कि अब सरकार की अगली कोशिश होनी चाहिए किसी तरह से टाइगर मेमन को भारत लाया जाए। टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम, जो भी जुड़े हुए जो बाहर है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की सरकार उनको शह दे रही है, उनको रख रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको लाया ही जाए इस भारत में। अभी जो सरकार है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 93 का किस्सा खत्म हो जाए, कि 22 साल तो गुजर गए, लेकिन उनको लाने में अभी कोई भी ये मत कीजिए, क्योंकि उनको लाया जाए इंडिया में, भारत में लाया जाए और मुंबई शहर में उनको अगली जो आज जो उनको नागपुर में गया दिया गया, और अगर उनको कल लाया जाता है तो उनको मुंबई शहर में यहाँ पे उनको जो भी सजा देनी है यहाँ पे दी जाए, यही हमारी ख्वाहिश है। अभी संतोष मालकार जी भी जुड़े हुए हैं मुंबई स्टूडियो से, वरिष्ठ पत्रकार। संतोष जी, अगर आप तक आवाज आ रही है, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। हमेशा कहा जाता है कि मुंबई कभी रुकते नहीं, हालांकि मुंबई ने बहुत कुछ देखा। अगर हम 1993 के टेरर ब्लास्ट की बात करें, उसके बाद भी काफी कुछ हुआ मुंबई में, टेरर अटैक्स के अगर बात की जाए तो मुंबई रुकी नहीं। और मुंबई आज ये महसूस कर रही है कि जस्टिस डिले हुई लेकिन डिनाई नहीं हुई, खासतौर पर हम विक्टिम से जो सुबह से बातचीत करते आ रहे हैं। एज ए जर्नलिस्ट, आप इसको किस पर्सपेक्टिव में रखेंगे, क्योंकि जो हमने पिछले एक महीने की सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स देखे, एक जुडिशियल एक्टिविज्म देखा, जो चाहे वो याकूब मेमन के सपोर्ट में हो, डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में जो आवाजें उठती आ रही हो, या याकूब मेमन को फांसी लगनी चाहिए, ये जो इस तरीके के वॉइसेस आ रहे थे फ्रॉम अक्रॉस द डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी, वेदर अगर हम लीगल फ्रेटर्निटी की बात करें, या पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी की बात करें, या सिविल सोसाइटी की बात करें, या आम जनता की बात करें। देखिए 93 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 12 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और वो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मुंबई में हर किसी कॉलोनी में मातम था, कोई ना कोई तो गया था, किसी का रिश्तेदार गया था, किसी का सगा गया था, किसी का फ्रेंड गया था। वो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इतना भयानक माहौल मुंबई में था, हर कोई रो रहा था, हर कोई जानना चाहता था कि ये आतंकवादी करतूत है किसकी, ये किसने किया और इनको सजा मिलेगी क्या। देखिए मुंबई कभी रुकती नहीं, मुंबई अपने पेट के बल चलती है और पेट के लिए हर कोई दौड़ता है, लेकिन ये भी बात सही है कि कोई भूला नहीं था, क्योंकि वो मातम का मंजर था, वो इतना भयानक था कि उसे भुलाना ही किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए हर कोई ये पूरे न्याय प्रक्रिया पे नजर रखा हुआ था कि क्या होगा, क्या याकूब को फांसी होगी, क्या दाऊद को भारत लाया जाएगा, याकूब मेनन को टाइगर मेनन को भारत लाया जाएगा, तो कोई भूला नहीं था। हाँ, ये बात जरूर थी कि मुंबई दौड़ रही थी, मुंबई अपने ढंग में थी, लेकिन गुजरा जमाना कोई भूला नहीं था। इसलिए आज जब ये जस्टिस हुआ है, आज जब ये निर्णय हुआ है, याकूब को फांसी दी गई है, तो हर एक मुंबईकर ये जानता है कि उसके साथ न्याय हुआ है, आज उसके साथ न्याय हुआ है, लेकिन आज भी मुंबई दौड़ रही है, आज भी मुंबई भाग रही है, लेकिन हर कोई चौराहे पर, हर ट्रेन में, बस में आज इसकी ही चिंता है, सुकून की राह है कि भाई आज हमें जस्टिस मिल गया, आगे भी चल के जस्टिस मिलेगा। लोग सोचते हैं कि भाई 22 साल हो गए, ठीक है, लेकिन कोई तो फांसी के दौर के ऊपर चढ़ गया, और यही हालत है आज, आज मुंबई में, आज मुंबई सुबह 5 बजे से जग रही है, और हर कोई यही देख रहा था कि फांसी की न्यूज कब आएगी। 7 बजे के करीबन जब फांसी की न्यूज आ गई, कोई उत्साहित नहीं हुआ, कोई आनंदित नहीं हुआ, लेकिन वो ये जान रहा था कि भाई आज बिल्कुल मालाकार मालाकार, ये जो आपने कहा, ये कुछ देर पहले जो मुंबई से हमारे रिपोर्टर थे वो भी यही बोल रहे थे कि ये कोई
खुशी का समय नहीं है ये, अगर सजा भी दी जा रही है वो भी भरे दिल से दी जा रही है, दर्द से ये सजा दी जा रही है। आज के दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, और सवेरे जब हम अपना बुलेटिन शुरू कर रहे थे तो उनमें उस बुलेटिन में उनका एक विचार दिखा गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि शिक्षक माता पिता ये वो लोग हैं जो संस्कार देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, और सजा भी समाज के लिए उसी का एक हिस्सा होता है जिसमें ये बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और क्या करने से क्या होगा। तो इस सब के बीच में मैं आपको जानना, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब जब याकूब मेमन को सजा दे दी गई है, आने वाले समय में शांति बने रहे इस सब के लिए आपका क्या अपना विचार है? देखिए मेरा विचार एक मुंबई के विचार से बहुत मिलता जुलता विचार है, क्योंकि मैं भी मुंबई का हूँ, मेरा जन्म भी यही सिटी में हुआ है, यही मैं बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुंबई करके हिसाब से ही मैं बोलूंगा। उसका विचार यह है कि हम किसी दहशत के आगे झुकेंगे नहीं, भले दहशतवादों ने मुंबई में इतने बॉम्ब ब्लास्ट किए लेकिन हमने मानवता छोड़ी नहीं, आगे जाके भी हम मानवता नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ ये बात हमें जरूर मैं कहूंगा कि जो गुनहगार है उनको न्याय प्रक्रिया के द्वारा जस्टिस शिक्षा होनी चाहिए, और यही नहीं कि जो भी गुनहगार आगे ऐसा गुनाह करने की सोचेगा उसको एक दहशत होनी चाहिए कि भाई यहाँ न्याय होता है, समय जाए लेकिन न्याय होता है। आज सच में दुख का दिन है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में, उनका अंत्य संस्कार हो रहा है, लेकिन मुंबई में भी मुंबई के वासियों के लिए, मुंबई कर के लिए एक थोड़ा सा दुविधा का दिन है कि भाई जस्टिस तो मिल गया, कलाम जी का अंत्य संस्कार हो रहा है, लेकिन मुंबई कभी रुकती नहीं, आज भी नहीं रुकेगी, ना कभी जो अभी तक जो आतंकवादी हमले हुए ना कभी उसमें मुंबई झुकी थी, आगे जाके मुंबई कर उतना ही सतर्क रहेगा जितना पहले था, आगे भी उतना सतर्क रहेगा और अपने काम से काम लेगा। जी संतोष जी आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास दोबारा आएंगे। विनायक जी आप भी मीनवाइल